वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक हेलीकॉप्टर का शूट लगाया। ये वीडियो कैसे बनाया मैंने, जैसा आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बेसिकली ये एक एनिमेशन है जो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जो एक हेलीकॉप्टर का जो लिंक है वो भी आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसको कैसे शूट करना है, कैसे बनाना है, जस्ट उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लाइक किया होगा आपने, और मेरी रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, तो मैं आज आपको इसमें यही बताता हूँ कि ये वीडियो कैसे बनाते हैं, इस तरह की वीडियोस हम कैसे बनाते हैं। सो चलिए, मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक सच टाइप्स ऑफ वीडियोस और एनिमेशंस। सो सबसे पहले आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर में जाइए, सॉरी मुझसे ये क्लिक हो गया। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पर टाइप कीजिए ऐप का नाम जो मैंने इसमें यूज़ किया है, किने मास्टर। ठीक है, इस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। तो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो मैं इसको ओपन करूँगा। सो इस मोबाइल के थ्रू आप कितनी सारी इफेक्ट्स जो है अपने टेक्स्ट में या वीडियो में लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी ऐप है। तो देखिए हम इसमें कैसे बनाएंगे। सो सबसे पहले जब ये आपकी स्क्रीन सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन आएगी, जो आपका होम स्क्रीन है स्क्रीन मास्टर की, हम क्रिएट मेनू में जाएंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन 16:9 को क्लिक किए और नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें ऐड आती है। तो सबसे पहले आपने जो वीडियो शूट किया हुआ है, सबसे पहले हम वो वीडियो उठाएंगे तो वो आपकी टाइमलाइन में आ जाएगा। सी, सो दिस इज़ द वीडियो जो मेरे टाइमलाइन में आ गया है। इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं। सो आपको पहले ये वीडियो शूट करना पड़ेगा, ऐसे किसी भी लोकेशन पे जाकर ऐसे इस तरह से एक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये मेरा जब वीडियो शूट हो जाए तो इसमें कुछ साउंड भी आ सकती है, तो उस साउंड को उड़ाने के लिए सबसे पहले वीडियो को सिलेक्ट करिए और ऑडियो में जाइए और इसको म्यूट कर दीजिए। इसमें जो इसकी बैकग्राउंड साउंड होगी वो म्यूट हो जाएगी, आपको सुनेगा नहीं कुछ। इसको क्लियर किया, अब आपने इसको वीडियो को चलाया और जहाँ पर आपने इफेक्ट देना है वहाँ से इसको हम स्टॉप करेंगे। देखिए, हमने वीडियो चलाया, जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए इसमें, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके कटर में जाऊँगा, लेफ्ट ऑफ द प्लेट उड़ा दूंगा। तो ये मुझे नहीं चाहिए था, इसको ही उड़ गया। अब मैंने इसको प्ले किया दोबारा, अब देखिए सी, अब यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया वीडियो को। अब थोड़ा सा इसको हम इधर ड्रैग कर लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपना लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और वो वाला वीडियो उड़ाऊँगा जो हेलीकॉप्टर वाला डाउनलोड कर किया हुआ मैंने, वो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा। ठीक है, अब ये इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डोंट वरी। इसको सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लीजिए आप। तो ये फुल स्क्रीन हो गया, अब इसके आप उसमें जाइए क्रोमा की में। क्रोमा की पे जाने के बाद इसको इनेबल कर दीजिए और ये आपका स्क्रीन जो है ग्रीन बोर्ड जाएगी। इसको थोड़ी सी सेटिंग कर दी आपने और इसको मैंने कर दिया ऐसे। अब इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, सबसे पहले हम इसको प्ले करके देख लेते हैं कैसे हुआ है। सी, देखिए वो वाला वीडियो इसमें ऐड हो गया होगा, लाइक दिस। सो दिस इज़ हाउ वी यू कैन से मेक सच टाइप ऑफ एनिमेशंस। ठीक है गाइस, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें एक ऑप्शन और मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपने जब इसमें वीडियो में जाना है, इसकी सेटिंग में जाकर इसका ये ऑडियो में ऑडियो फेड आउट एंड ऑफ प्रोजेक्ट, इसको डिसेबल कर देना है अगर आपको इनेबल हुआ हो तो। इसका ये मतलब होता है लास्ट में जो 4:3 सेकेंड जिसमें 2 सेकेंड्स रह गए इसमें वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसको हम ऐसा कर देंगे तो वॉल्यूम कम नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ वी मेक दिस वीडियो। इसको हम सेव करेंगे सीधा ही, डायरेक्ट हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका वीडियो जो है इस हिसाब से सेव हो जाएगा। हम इसको सेव करेंगे हाई के ऊपर, स्किप, तो ये वीडियो आपकी गैलरी के ऊपर सेव हो जाएगा। नाउ यू कैन शेयर दिस। सो आई होप आपने वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा है लगा होगा, और मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसका मैंने आपको बनाने का सिखा दिया कैसे बनाते हैं। तो आप इसको अपने आप ही बना सकते हैं अपने जस्ट मोबाइल पे, अपने वो ऐप जो आपको मैंने बताई है किने मास्टर, उसको इंस्टॉल करिए और उसमें जस्ट थोड़े से एनिमेशन इफेक्ट्स लगाने हैं आपने, जो कैसे लगाने हैं वो भी आपको मैंने बता दिए। तो उसको लगाइए और अपने वीडियो बनाइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो इससे पहले मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं इसके आगे एक और एनिमेशन का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। आपने मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई आपके व्यूज़ है मेरे इस वीडियो के बारे में तो मुझे ज़रूर शेयर करिए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।